The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों एक नई महामारी आने वाली है। पूरी दुनिया के लोगों को एकदम से यही चीज हो रही है कि शरीर में बिल्कुल थकान हो गई है, टायर्डनेस है, एनर्जी ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया कि फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर से एनर्जी, मैं बस सोया रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी वेरी वीक, आई एम फीलिंग ड्राउजी, हमेशा सो रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी, मुझे बचा लो, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई जिससे कि कोई जान चले जाए, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, मुझे क्या हो गया है मुझे बताओ। तो देखो ये कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन हो रही है, लोगों को हो रही है। देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फटीग है कि कोरोना है कि ड्राउजीनेस है कि कोई और बीमारी है, इसको समझे कैसे, समझो, समझोगे तो समझोगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे। फटीग मतलब टायर्डनेस, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी। ड्राउजीनेस मतलब कि आपको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एनर्जी कम होना, मोटिवेशन कम होना फटीग है। और ड्राउजीनेस मतलब आप उठ नहीं पा रहे, यू आर नॉट, इज बेसिकली फीलिंग, मतलब आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, आपको नींद आ रही, बस सोने दो, मेरे को एग्जाम नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई लेना देना, खाना वाना खाना, मेरे को सोना है, राइट। फटीग इज डिफरेंट, इसमें समझना ज़रूरी। फटीग नॉर्मल है, वीकनेस नॉर्मल है, टायर्डनेस नॉर्मल है, लैक ऑफ एनर्जी नॉर्मल है और ज़रूरी है। आपका शरीर वो समय लेता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के पास, इमोशनल बर्डन के पास, बोर हो जाने के बाद। जी हाँ, बोर हो जाने से एनर्जी खत्म हो जाती है, जी हाँ, बोर हो जाने से, लैक ऑफ स्लीप से एनर्जी खत्म हो जाती है। फटीग इज वेरी कॉमन एंड इट इज यूजुअली नॉट ड्यू टू एनी सीरियस डिजीज, ये कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, मगर कई सारी सीरियस, हर सीरियस डिजीज, हर बीमारी में फटीग तो होगा ही, एनर्जी कम तो होगी, इसलिए इसके साथ में क्या है उसको देखना ज़्यादा जरूरी है। अकेला फटीग टेंशन नहीं है, अकेले फटीग में न्यूट्रिशन का भी रोल है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है तो फटीग, एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है तो फटीग, तो एक मान लो इनफ स्लीप नहीं ले रहे तो फटीग, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली तो फटीग, कुछ नहीं करी तो फटीग, जी हाँ ये सारे कारण हैं। और आपकी खुद की पुरानी बीमारी को भी देखना पड़ेगा, मान लो आपको एनीमिया, खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, आपको डिप्रेशन है, ग्रीफ है, आपको एनीमिया, आपको मान लीजिए कोई सेडेटिव ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं, किसी प्रकार का दर्द है तो आपको फटीग होगा, आपको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बहुत मोटे हो, खर्राटे आते हैं तो स्लीप पूरी नहीं होगी, थकान होगी, आपको फटीग होगा। नार्कोलेप्सी मतलब रात रात भर जागे रहना, इसी चीज़ हो रही है, या पूरी पूरी रात सोते रहना तो भी फटीग होती है। थायराइड ग्लैंड में अंडर एक्टिव है, हाइपोथायराइड हो, हाइपर थायराइड हो, दोनों में फटीग रह सकता है। एक में आप हाइपो है, बहुत ही स्लो सिस्टम चल रहा है, मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, एनर्जी ही लो है, एक में एनर्जी इतनी फास्ट है कि सब यूज हो गया तो थक गए। अल्कोहल लेते हो, दारू पीते हो, कोकीन नार्कोटिक्स, किसी प्रकार का ड्रग एब्यूज है, रेगुलर यूज है, फटीग उसका कॉमन पार्ट है। किसी प्रकार की कोई मान लो ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, बहुत ही ज़्यादा खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो फटीग हो जाएगा। आर्थराइटिस है, बच्चों वाला आर्थराइटिस, बड़ों वाला, जुविनाइल आर्थराइटिस या एडल्ट बुढ़ापे वाला आर्थराइटिस, थकावन हो, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, फटीग हो, ऑटो इम्यून डिजीज है, SLE, रोमेटिक आर्थराइटिस, या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, एडिसन्स डिजीज़ है, किसी प्रकार की मेजर बीमारी में, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, मैल न्यूट्रिशन, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट, हेपेटाइटिस, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, मोनोक्लोसिस, कोरोना, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, पेट की बीमारी, डायरिया, हर चीज़ में फटीग होगा, याद रख, कुछ दवाओं से भी फटीग, राइट। सो एक और चीज़ है, जब फटीग का कोई भी कारण नहीं दिखता, इनमें से कुछ नहीं है, कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, लगा तो टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, हिस्ट्री लेगा, ज्योग्राफी लेगा, हिस्ट्री लेगा, मेडिकल आपके रिपोर्ट्स देखेगा और फिर देखेगा, हाँ भाई ये कारण लग रहा है, इसको ठीक करेंगे। कोई कारण नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, 6 महीने तक फटीग है, 6 महीने तक विदाउट रिजॉल्व, कोई किसी टेस्ट में नहीं आया, कोई दवा से आराम नहीं, किसी रेस्ट से आराम नहीं, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मतलब कोई कारण नहीं मिल रहा हमको, तुमको क्रोनिक फटीग है, ऐसा है, राइट, दैट इज, सो दैट इज देयर, फिर भी कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो भाई साहब सबसे पहला काम करो, बत्ती बुझाओ, सो जाओ, ठीक है, सबसे पहले सो जाओ, फटीग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गेट इनफ स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, 7 से कम तो परवड़ेगा ही नहीं तुमको, मतलब चलता नहीं है, ठीक है।
और याद रखिए, डाइट हेल्दी रखिए, बैलेंस रखिए, पानी खूब सारा पीना है, 8 या 10 12 गिलास पानी पियो, 3 से 4 लीटर, और 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करो रेगुलर में। बेस्ट वे इज ये है। और सबसे अच्छा मेडिटेशन, आंख बंद, डीप ब्रीदिंग। भाई साहब मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, रीजनेबल अपना काम करो, ज्यादा काम नहीं, अपना पर्सनल लाइफ को थोड़ा टाइम दो, चेंज योर शेड्यूल, अपने आप की लाइफ में झांक के देखो, अंतर आत्मा में झांक के देखो, कहाँ गलती कर रहे हो उसको ठीक करो, दारू पीते हो बंद करो, सिगरेट पी रहे हो बंद करो, चेंज योर, रिड्यूस योर स्ट्रेसर्स। किसी प्रकार का स्ट्रेस है, कोई कोई भी स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, बीमारी का स्ट्रेस है, डॉक्टर से बात करो, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, एक दूसरे से बात करो, रिजॉल्व करो प्रॉब्लम, मल्टी विटामिन ले लो एक, कोई बात नहीं, एक डॉक्टर से बात कर लो, कोई ना कोई कमी को ठीक करवाओ, अल्कोहल निकोटीन ड्रग वग उसको दूर करो, बाय बाय करो, कम करो, कुछ भी करो, ऐसी चीजें करनी जरूरी है। किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म पेन है तो वो डिप्रेशन करेगा, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से बात करो। कई सारी दवाएं हैं, कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन अगर कोई दवा ले रहे हो तो तुरंत बंद नहीं करना, डॉक्टर से बात करे बगैर बंद नहीं करना। किसी प्रकार की कोई कोई स्टिमुलेंट ले रहे हो, प्री वर्कआउट है, कैफीन है, कॉफी है, कोई भी आपका किसी प्रकार का कुछ कैफिनेटेड ड्रिंक है, सब बंद कर दो, सब बंद करो, उससे ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सिडेटिव्स भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा नींद की गोली ले रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसको कम करने की कोशिश करो, डॉक्टर से बात करो। अगर आपको डॉक्टर से कब बात करनी है, फटीग तो सर बहुत सिंपल है, सबको होता है, तो मेरा फटीग सीरियस है कि नहीं मुझे कैसे पता, कोरोना है कि नहीं मुझे कैसे पता। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ड्राउजीनेस अलग है, डिजीनेस अलग है, डिजीनेस पे अलग वीडियो आएगा, ड्राउजीनेस मतलब नींद आ रही है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करो। पेशाब नहीं आ रही, कम आ रही है, या पैरों में सूजन हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को हार्म कर लूंगा, डिप्रेशन जैसा फीलिंग आ रही है, डॉक्टर से बात करो। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है बहुत ही ज्यादा, तो डॉक्टर से, पेट खराब है, ड्राई स्किन, वेट गेन, ऐसी कोई अनटॉलरेबल इनटॉलरेंस टू कोल्ड है तो थायराइड चेक करवाओ, राइट। और मान लो हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, बहुत सैड फील कर रहे हो या फिर डिप्रेस फील कर रहे हो तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अपने एक बार हेल्थ चेकअप कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, खून की कमी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, कहीं किडनी, लिवर, थायराइड, कोई कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रहा, ESR, HSCRP कराओ, यूरिन चेकअप कराओ, यूरिन एनालिसिस कराओ, कुछ तो दिखेगा, कुछ तो पकड़ में आएगा। अगेन, जब तक कारण नहीं पता किसको ठीक करोगे, भाई मुझे कमजोरी हो रही है, मेरे में एनर्जी नहीं है, एनर्जी के लिए सर कोई ताकत की गोली दे दो, कोई टॉनिक दे दो, वो इलाज थोड़ी है भैया, है कि नहीं, वो इलाज थोड़ी है, हमें तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना, तो कारण ढूंढो। टॉनिक सबसे अच्छा क्या है, पानी, सबसे अच्छा टॉनिक है पानी, और उसके ऊपर और चाहिए तो नमक और शक्कर डालो जरा जरा सी, अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर से बात करो, चेकअप करवाओ। और क्या करना है, फटीग के साथ दूसरे सिम्टम देख लें, कहीं कोई मान लीजिए फटीग मतलब आपको कहीं बुखार तो नहीं, कहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं खांसी तो नहीं, कहीं कोरोना तो नहीं, कहीं सैचुरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कहीं हार्ट की बीमारी तो नहीं है, चलने फिरने से दिक्कत तो नहीं बढ़ती, हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा, क्योंकि जब चलते हो तो क्या होगा, हार्ट जल्दी जल्दी काम करता है, हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है। सेम वे लंग्स की बीमारी चलने फिरने से बढ़ सकती है, तो चलने फिरने से दिक्कत बढ़ रही है तो ये, लेटने से दिक्कत बढ़ रही है तो भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, याद रखो, पैरों में सूजन आ रही है तो भी दिक्कत हो, तो ये सारी चीजें अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। नहीं डिस्कस कर रहा कोई तो फिर ऑनलाइन स्टडी करो, चैनल पे हमारे, अच्छी जगहों पे पढ़ाई करो, गलत जगहों पे बहुत, दुनिया में दुनिया भर की गंद मचाया हुआ है इंटरनेट पे, 80-90% जानकारी लोगों ने अपने मन घड़ंत डाल दी गई है, तो ऐसे ना करें। स्टैंडर्ड वेबसाइट से आप जानकारी डालें, जैसे हम स्टैंडर्ड वेबसाइट से रेफरेंस्ड जानकारी आपको देते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते। सो दैट इज देयर, तो टायर्डनेस है, वीकनेस है, एग्जॉशन है, लिथार्जी है, रामबाण इलाज, पानी, नींद और अच्छी डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, मस्त कोई अपने पसंदीदा चीज खाओ, कोई अपनी पसंदीदा वीडियो दिखाओ, वीडियो देखो, खुश हो जाओ, खुश हो, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टीवी बंद कर दो, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, उल्टे सीधे वीडियोस देखना बंद कर दो, नेगेटिविटी हटाओ अपनी लाइफ से, नेगेटिव बहुत हो गया, थोड़ी पॉजिटिव रखो। 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन नेगेटिव में बिता दिया, 1 दिन तो जी लो यार, हटाओ नेगेटिविटी को, डू दैट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, पहले 10 सवालों के जवाब दिए जाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो में नहीं हुआ तो दूसरे में कर देना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।